हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो भाई मैं हूं अभी मनीष कार एसेसरीज पर करोल बाग में, और अभी आपके सामने है भाई फिर से एक और नेक्सॉन। और यहाँ मेरे साथ है मनीष भैया। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया भैया। क्या चल रहा है आज? बस क्या चल रहा है? का स्वाद है बस। अच्छा, वीरवार का आशीर्वाद है? वीरवार का फीवर का। अच्छा, बुखार हो रहा है तुम्हें? बुखार हो रहा है। भाई आज आपके सामने नेक्सॉन का कौन सा वेरियंट है? ये एक्सी मॉडल है। ये एक्सी मॉडल, बेस मॉडल जिसे हम बोलते हैं। तो XZ+ टॉप मॉडल हो जाएगा बिल्कुल है। तो भाई ये वाला जो मॉडल है आपका, देख लो भाई कौन से कलर में है। इसका कलर जो है वो अपना, वो क्या ग्रे बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं? हाँ भैया, वो आर्मी कलर जो बोलते हैं। अच्छा, आर्मी कलर बोलते हैं इसको। लेकिन इसमें काफी सारी चीजें लगा रहा हूँ मैं, देख पा रहा हूँ DRL लगा दिया आपने इसके अंदर, फॉग लाइट वाला। ये सिंगल LED वाला, तीन LED वाला? सिंगल LED वाला लगा। सिंगल LED वाला लगाया। और साथ में भाई बात करेंगे तो इसके अंदर आपने इसके टायरों पे व्हील कवर भी लगा दिया ना, पेंट करके बिल्कुल लगा दिया हमने। देख रहे हो भाई कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। अगर बात करें इन व्हील कवर्स की, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। देखो ये देखो कितने ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या क्या लगाया टोटल इस गाड़ी में, क्या क्या लग रहा है? हेडलाइट में हमने कोई चेंजेस नहीं किया। अच्छा, में हमने लगाया मैट्रिक्स वाला लगता है। ठीक है, इंडिकेटर वाला। ठीक है, तो ये मतलब इंडिकेटर भी चलेगा जी? ठीक है। हमने इसमें प्रोजेक्टर लगाया, प्रोजेक्टर लगा के LED डाला है। 120 वॉट के हिस्से लाई की LED डाली है। मार्केट में कहीं नहीं है, लेकिन भैया ने फिर भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। और यहाँ क्या लग रहा है भैया? वो हैलोजन ही है नहीं। लेकिन मैं बताऊँ भाई, ये हैलोजन भी कम पड़ जाएंगे हमारे इस प्रोजेक्टर के आगे। हेडलाइट फेल है ना, हैलोजन जो है। ठीक है, और बात करते हैं इसके साइड वाले ORVM की, तो ये चेंज कर रहे हैं? अभी चेंज नहीं किया है। अभी चेंज नहीं किया है तो भाई इस वाले को आप चेंज करवा सकते हो अगर आप कराना चाहते हो। ये ऑटोमेटिक हो जाता है ना? ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा। हमारे पास इसका पूरा ब्रांड न्यू वर्जन पड़ा हुआ है। तो अगर आपने डब्बा पैक टाटा जेनुइन डब्बा वहाँ पड़ा हो भैया की शॉप पे, खाकी वाला डब्बा जो ऊपर दिख रहा है वही डब्बा है इसका साइड में रखा, तो ये भी आप चेंज करा सकते हो। उसके बाद हमने एक डोवाइजर लगाया। अच्छा, गारंटी है इसकी, बहुत बढ़िया। एक हैंडल को हम लगाया प्रॉपर ये वाला जी। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे टाटा वाई लगा के देते हैं बिल्कुल सील, ताकि गाड़ी अगर खुली हो। पावर विंडो का और अच्छा, सेंटर लॉक और डैम्पिंग का। ये है जो गाड़ी को भाई टॉप एंड वेरिएंट बनाता है। तो बात करते हैं इसकी डैम्पिंग की। RD की डैम्पिंग फिर से BNS ने इंस्टॉल करी है, क्योंकि इस वाली डैम्पिंग के अंदर ना कोई कंप्लेंट अभी हमें सुनने को मिली नहीं। बहुत बढ़िया डैम्पिंग, लास्ट टाइम ने कितनी गाड़ियों में लगा दिया बट अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं मिली। बहुत हैवी गोंदा चिपकने का। अच्छा, तो ये देखो काफी ज्यादा बढ़िया लगा दिया है भाई ने, पूरे में डैम्पिंग कर दी है यहाँ पे। और इसका स्पीकर वगैरह भी चेंज हुए भैया? हाँ भैया, हरमन का लगाया कॉम्बिनेंट, पीछे लगाया हरमन का कोएक्सल। बताओ, इतने दिनों से हम इसको करते आ रहे हैं, लगाते आ रहे हैं, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं। हरमन का है और टाटा की गाड़ी मेरे को लगता है सूट करता है उस गाड़ी का। हाँ भाई, टाटा की गाड़ी में हरमन सूट करता ना। हाँ, तो ये कंपनी भी वही लगा के देती है आपको। और बात करते हैं, ये देखो यहाँ पर पावर विंडो वाला जो कंपनी स्विच देती है, ऐसे ही स्विच आपको मिलने वाला है पीछे की तरफ। हाँ, खोलना भी है। हमने इसमें डैम्पिंग कर दिया है, डैम्पिंग इसमें भी हो, मतलब चारों गेटों में डैम्पिंग है। चारों गेट में डैम्पिंग कर दिया। ठीक है, एक बार करके दिखाओ भाई, फर्क हो जाएगा इसमें। ये बिल्कुल हार्ड हो गया, ये देखो, ये देखो और ये देखो। ठीक है ना, पता चल जाएगा आपको। ये टीन के डब्बे जैसे बसती है गाड़ी अगर खाली होती है तो। बाकी बात करते हैं, ये देखो ये है अपना पावर विंडो। तो यहाँ पर अपना स्विच आ गया, पहले यहाँ पे स्विच नहीं था, पहले यहाँ पे घुमाने वाला लगा हुआ था, उसको हमने चेंज कर दिया। कैप लगा देंगे, कैप लगा देंगे, बंद कर देंगे ताकि हमें बुरा भी ना लगे। उसके बाद यहाँ पे वेलकम लाइट भी लगी है। ठीक है, और फ्लोरिंग भी करी आपने? फ्लोरिंग भी की है, अभी थोड़ी गंदी हो रही है। गंदी हो रही है, लेकिन हम उसके सारा काम होने के बाद बिल्कुल क्लीन कराए थे आजकल भी, है ना? बिल्कुल साफ कराए से लगाते हैं, सफाई से लगाते हैं बिल्कुल सारा, क्योंकि देखो लगते वक्त तो गंदा हो सकता है, लेकिन गाड़ी आपको क्लीन मिलनी चाहिए सबसे बड़ी बात। बैक साइड की बात करते हैं तो यहाँ क्या लग रहा है? अच्छा, टाटा जेनुइन है ये भी अपनी? टाटा जेनुइन ट्रे, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो ये लिखा हुआ टाटा जेनुइन। ठीक है, बूट लाइट लगी है? बूट लाइट भी लगी है। भाई वाह, हमने जो मेन काम किया इसमें एक टाटा जेनुइन का लगाया रियर फोग लाइट। अच्छा, ये रियल वाली जो लाइट आती है ये वाली लाइट भी लगाई है। ठीक है, और रिफ्लेक्टर भी लगाया मैट्रिक्स वाला। बहुत बढ़िया, गाड़ी का लुक देख लो भाई, काफी अच्छा लग रहा है पीछे की साइड से। अच्छा, ये वाला जो हम बनाते हैं ना, ये सिर्फ मिलेगा आपको मनीष कार एसेसरीज पर, सिर्फ ये मिलेगा। और इसका प्राइसिंग भी काफी अच्छा प्राइस है, मतलब काफी सस्ता है और कोई भी इसको परचेस कर सकता है ना इजी। और विदाउट एंटीना का, अच्छा विदाउट एंटीना का, मतलब ठीक है, तो वर्किंग करेगा और नहीं करेगा दोनों उनके पास अवेलेबल है। अगर वर्किंग कराना उसका प्राइस अलग है, और अगर नहीं कराना उसका प्राइस अलग है। ये शो वाला है ना, तो ये शो पीस वाला है। अभी इसका सीट कवर लगा रहा है, कौन सी कंपनी लगा रहा है सीट कवर? जो लगाते हैं इंपोर्टेड लेदर, 5 साल की गारंटी वाला। अच्छा, कट जाए फट जाए, रिप्लेसमेंट गारंटी है, रिप्लेसमेंट गारंटी है। ठीक है, तो ये गाड़ी के अंदर कुछ काम चल रहा है, एक बार गाड़ी को ना उसको कंप्लीट होने देते हैं। भाई 4.5 मिनट की वीडियो हो गई, इवन उससे ज्यादा ही हो गई होगी, बट यहाँ पर स्टीयरिंग कंट्रोल लगाया है, जो लग चुका है स्टीयरिंग, वो भी लग गया ना, वो हम बाद में दिखा देंगे, पर पूरी ओवरऑल बनाएंगे ना। ठीक है, लग गया डैश का 2+32 GB रैम आपका कारप्ले एंड्रॉइड। ठीक है, तो भाई सारी चीजें आपको दिखा दूंगा मैं, एक बार गाड़ी पूरी कंप्लीट होने देते हैं सारा कुछ, एक बार पावर विंडो वगैरह
रहा ना, ये सारी चीज आपको चेकआउट कराऊंगा। कंप्लीट होने देते हैं, पैक होने देते हैं गाड़ी को, उसके बाद दिखाता हूँ। गाड़ी देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, ऐसा लग रहा है ये अलॉय है। तो एक बार तैयार होने देते हैं गाड़ी को। सो गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है अपनी गाड़ी भाई, देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। पहले भाई इसके अंदर ना जो प्रोजेक्टर लगते थे वो ट्राई कलर वाले भी हमने लगाए, लेकिन आज हमने जो लगाए वो सिंगल कलर के साथ आपको दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें हमने 120 वॉट की क्रिस्टल आई की LED डाली है, जो कि भैया के पास अवेलेबल है। बारिश भी शुरू हो गई भाई, देख रहे हो वीडियो बनाती बारिश शुरू हो गई है, बूंदे आने लग गई, आपको दिख ही रहा होगा। भाई ये लगाया हमने वेलकम वाला डिफ्यूजर, इसमें दो तरीके आते हैं, एक वेलकम आता है, एक GT लाइन वाला आता है। तो यहाँ मनीष भैया मेरे साथ में, तीन तरीके आते हैं, एक आती है हल्का आती है फाइबर में। अच्छा बहुत हल्का आता है, एक वेलकम वाला आता है, एक एमटेक कंपनी का आता है, एक एमटेक कंपनी हल्की वाली होती है ना, उसमें सरेंशन नहीं दे रखा होता है। अच्छा अच्छा, जो वेलकम वाला मजा आता है, मजेदारी नहीं, जो एमटेक और वेलकम में आता है ना, दोनों में पीछे सरेंशन दे रखा होता है। अच्छा, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, स्पोर्टी लुक देता है भाई। ये कुछ लगाड़ी की लुक लग रही है, काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ पे देखो इन्होंने ना यहाँ पे इसका DRL भी लगा दिया, फॉग लाइट वाला, जिसका पूरा कवर चेंज होता है। और यहाँ लगा अपना प्रोजेक्टर, जिसकी रोशनी आपको दिखाऊंगा ना भाई, आर पार की रोशनी है। इसके अलावा यहाँ पर देखो बोनेट में नेक्सॉन की ब्रांडिंग कर दी है इन्होंने, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। इसके बाद भाई दिखाता हूँ आपको, देखो साइड प्रोफाइल की बात बाद में, देखो साइड प्रोफाइल की बात बाद में करेंगे हम, लेकिन यहाँ देखो लाइट है इसकी, ये है इसका फॉग लाइट का नजरिया भाई, देखो कितने ज्यादा है। अगर हेडलाइट जला दोगे ना तो इस फॉग लाइट के आगे हेडलाइट नजर भी नहीं आएगी। एक बार करना भी ऑन, हेडलाइट ऑन करके दिखाओ इसके एक बार, देखो पता भी नहीं चलेगी कि अपने हेडलाइट में कुछ है भी, कुछ है इसके हेडलाइट में, कुछ डाला आपने? ये देखो येलो बल्ब जल रहा है सिर्फ इसके अंदर। और यहाँ पर रिस्पांस की अगर बात करूँ तो देखो पता भी नहीं चलेगा आपको उसके सामने कि मतलब कुछ ज्यादा कुछ बड़ा भी है, पर हाँ ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो रोशनी इंक्रीज होती होती है। ये कुछ रोशनी है उसकी, और ये अपनी IPH है। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो भाई साइड प्रोफाइल में भैया ने बिल्कुल अलॉय वाला लुक दे दिया यहाँ पे, ये देखो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है गाड़ी यहाँ से। तो इसको भैया ने पहले, इसको भैया इस वाले का ब्लैक करा था पहले आपने? पहले हमने डिम पेंट किया था। अच्छा, उसके बाद हमें व्हील कवर डाला, व्हील कवर डाला है वाला जैसा टाटा जेन्युइन वाला, बिल्कुल जो बीच में लोगो भी दिख रहा है आपको। और ये देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में आपने बताया था बात, इसमें भैया इसमें जो है ना फॉग लाइट में इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर जलाना भैया एक बार इंडिकेटर भी करके दिखा दो कि इंडिकेटर जो है वो मैट्रिक्स में काम करेगा, ब्लिंकर देखो ये तो वैसे ही चल गया भैया, गेट खोलने में चालू हो गया बिल्कुल। ये देखो आपका सी टाइप में कुछ ऐसा चलेगा, मतलब गेट खोलने पर अपना RDK का सेंटर लॉकिंग जो काम करती है वो काम, हाँ वो करेक्शन होके और मैं ये चालू हो चुका है। इसके बाद अगर बात करें तो भाई ये बाहर का सिस्टम आपको बताया था, यहाँ पे देखो साइड बिटिंग भी लग चुकी है, साइड भी लगा दिया, हैंडल क्रोम लगा दिया, डोरवाइजर लगा दिया हमने लीक कंपनी का, और ये डोर गार्ड भी लगा दिया हमने, ठीक है। और ये देखो गाड़ी के अंदर का अगर मैं आपको दिखाऊं ना सीन, तो काफी अच्छा है भाई। यहाँ पर देखो चारों आपको मिलेगी पावर विंडो, कोई भी नीचे करो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से नीचे ऊपर होगी। इसके अलावा बात करते हैं भाई, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, हजार्ड लैंप बोलते हैं ना, इमरजेंसी लाइट समझ लो, जब आप गेट खोलते हो ना तो ये लाइट ना यहाँ पे, जब भी गेट खोलोगे तो यहाँ पर लाइट जल जाएगी। और ये काफी अच्छा फीचर है इस गाड़ी के अंदर, वेलकम लाइट आपको मिल जाती है जब गाड़ी के अंदर आप बैठते हो, तो ये कुछ वेलकम लाइट है इसकी, जो कि ब्लैक कलर में भी एक रैप हो रखा है, रैप हट जाएगा तो ये ब्लैक हो जाएगी। और यहाँ पे लगे हैं 70 वाले मैट, जो कि भाई काफी टाइम से भैया लगा रहे हैं, और इस गाड़ी के अंदर 70 मैट अच्छे लगते हैं, बाकी अदर मैट्स भी अवेलेबल है, जो भी लगवाना चाहते हो आप इजिली लगवा सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं भाई, ये देखो यहाँ पर इसका स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग को पूरा का पूरा रैप किया गया है विद सिलाई के साथ बढ़िया तरीके से, ये पूरी रैप की है। उसके बाद यहाँ पे लगा दिया बटन, इन सभी बटनों के अंदर आपकी लाइट भी जलती है। तो भैया इसका क्या प्राइसिंग है वैसे? स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल का 3500। और कवर अगर हम लगवाते हैं तो स्टीयरिंग कवर 800 का भी है, 800 का, 800 रुपए का। अब बाकी OEM वाली स्टाइल के साथ, और इसमें कई तरह के डिजाइन होते हैं, तो उस हिसाब से उसके प्राइस भी इंक्रीज होता है। तो ये आप क्या लेके आए? हम जो लगाए पावर विंडो का, अच्छा जो भी हर गाड़ी में लगाते हैं पावर विंडो, हर गाड़ी के अंदर, ठीक है, बेस मॉडल के अंदर, ओके, मतलब प्रॉपर लगाते हैं टाटा जेन्युइन। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर अगर मैं रख के दिखा दूँ फिर से, तो पहले आपको कंपनी ये वाला पीस देती थी, अब आपने ये वाला लगा दिया जो कि टाटा जेन्युइन है ना भाई। पहले भैया ये आती थी, हमने ये लगा दिया, इसमें चाइल्ड लॉक भी स्टार्ट है इसके अंदर, लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, दोनों तरीके। बहुत बढ़िया चीज है, मतलब ये बढ़िया चीज है, हमने सारे फंक्शन इसके चालू कर दिए हैं। इवन साइड मिरर आप चेंज कराते हो ना तो आपको यहीं पर मिल जाएगा एडजस्टमेंट इसका, और यहीं से आप अपना पूरा मतलब फोल्ड कर सकते हो, अनफोल्ड कर सकते हो, और सेट भी कर सकते हो अगर आप इसको टॉप मॉडल वाला इंस्टॉल करवाते हो। बात करते हैं सीट कवर्स की, तो ये कौन से सीट कवर्स है भैया, क्या क्वालिटी है इनकी? अंदर इंपोर्टेड लेदर का सीट कवर लगाया, 5 साल की वारंटी है सीट कवर की, 5 साल की, कट जाए फट जाए, रिप्लेसमेंट गारंटी, आओ चेंज करवाओ मनीष कार पे, मनीष कार पे आओ चेंज करा लो आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग अभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो सीट कवर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी अच्छा सीट कवर है, 2 से 3 घंटे में आपका सीट कवर रेडी भी हो जाएगा, स्क्रीन शॉट लो मुझे। अच्छा, दिखाओ, बहुत बढ़िया बात है। बात करते हैं भाई इसके आर्मरेस्ट की, तो ये कुछ आर्मरेस्ट मैंने आपको दिखाया था, अब लग चुका है, तो ये बिल्कुल कंपनी टाइप है, ये देखो
यहाँ पर बिल्कुल लग जाएगा। इसमें आपको ना कितना सारा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे रखने का, कुछ चीज खराब भी नहीं होता, आपका हैंड ब्रेक आप आराम से हाथ रखो। ये काफी अच्छी चीज भैया ने इन्वेंट करी थी और ये सबसे पहले लगा था मनीष कार पे, है ना भाई? सबसे पहले हमने मनीष कार पे सारी चीजें लगा के दिखा चुके हैं और आज भी लगा रहे हैं। और यहाँ पे लगा हमारा डेप्स का एंड्रॉइड। ये क्या क्या भैया इसके अंदर? डेप्स का एंड्रॉइड 2+32 GB रैम है, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड है, 2 साल की वारंटी है इसकी, 2 साल 360 डिग्री सपोर्टेड है इसके अंदर एंड्रॉइड। अच्छा, कल को हम 360 कैमरा लगवाना चाहें तो ये चलेगा। डीवीआर भी सपोर्टेड है इसके अंदर प्रॉपर। अच्छा, डीवीआर भी सपोर्टेड है, बताओ इतना सब कुछ आपको उसके अंदर मिल रहा है। देखो यहाँ पे लिखा भी है डुअल डीवीआर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, डीएसपी भी सपोर्ट, डीएसपी इसके अंदर डीएसपी भी है, सारे फीचर है, मतलब फुल्ली लोडेड है। इसमें आपको किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, आप इसमें एप्पल कार प्ले चलाओ, अपना आईफोन चलाओ या एंड्रॉइड लगाओ, सारी चीज में चल रही है। और इसमें एक जो मेन काम किया है आरबीएम भी चेंज किया इसके अंदर, वो आरबीएम भी चेंज हुआ है इसके अंदर। अगर बात करें तो एक नॉर्मल आता था पहले जिसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन मिल गया जो कि आपको हेल्प करता है जब आप गाड़ी चलाते हो ना, पीछे से आने वाली जो भी लाइट होती है वो नहीं पड़ेगी। जब आप इसको ऐसा कर दोगे तो लाइट आपकी धीरे हो जाती है काफी और वो आपके मुंह पे नहीं पड़ती है। इसमें डीवीआर भी इंस्टॉल हो रखा है, देखो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और एक बैक साइड में भी लगा है, तो ये डीवीआर वाला कैमरा है। अगर मैं डीवीआर ऑन करूँ उसका तो ये देखो ये डीवीआर भी ऑन हो गया है। और इसमें कैसे होता भैया ये देखो दोनों तरफ का चल गया, आगे का, बैक का, फ्रंट का, दोनों चल गया। ये फ्रंट का भी चल गया, शीशा भी गंदा हो रखा फ्रंट का तो ऐसा दिखा रहा है, बाकी देखो ना पूरा डैशबोर्ड दिखा रहा है, इतना ज्यादा बढ़िया चीज है। और कितना क्लैरिटी देखो कितनी ज्यादा बढ़िया है, पूरी क्लियर है भाई, ऊपर पीछे का बैक का दिखा रहा है, सारा कुछ दिखा रहा है ना, लाइव दिखा रहा है आपको, आप गाड़ी चलाते रहो देखते रहो ना। रिकॉर्डिंग का भी फंक्शन है, रिकॉर्डिंग का भी फंक्शन है इसके अंदर भाई, सारे फंक्शन मतलब इसमें आपको मिल जाते हैं, कुछ भी चीज अगर आप करना चाहते हो। बहुत अच्छा फीचर है, इसे थोड़ा बिंदा बिंदा दिख रहा है आपको बिल्कुल, ये देखो शीशा भी क्या था गंदा गंदा सा हो रहा, तो इसी तरीके से ये भी दिख रहा है आपको। तो भाई ये डीवीआर वाला एंड्रॉइड अगर आप इंस्टॉल कराना चाहते हो मनीष कार पे आके आप इसको इंस्टॉल करा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या लगा भैया? ओआरबीएम ना, ये को ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये होता है एक नॉर्मल, इसमें आपको कोई भी नीचे ऑप्शन नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, काफी अच्छी चीज है, यूजफुल चीज है अगर आप लगवाना चाहते हो। और ये क्या भैया? चार्जर, को हमने चार्जर गिफ्ट दिया, चार्जर गिफ्ट दिया, ठीक है, का बैजिंग गिफ्ट दिया, अच्छा, और एक परफ्यूम गिफ्ट दिया सर, परफ्यूम भी गिफ्ट दिया, ये अच्छी बात है भाई, ये मनीष कार काफी अच्छा काम करते हैं तो इसलिए एक गिफ्ट भी दे देते हैं कभी कभी, यहाँ खुशी ज्यादा हो जाती है तो उस दिन ये गिफ्ट दे देते हैं। और क्या इंस्टॉल हुआ भैया? यूएसबी वाला पोर्ट भी इंस्टॉल हुआ, जो यूएसबी लगाते हैं पोर्ट, अच्छा हमने लगाया, अब तो हर बार की चार्जर कंपनी दे ही रही है हमें, ठीक है प्रॉपर, ये बढ़िया चीज है। और क्या क्या लगा भैया इसके अंदर? आगे भैया हम पीछे बैक साइड में हमने लगाया डिफेक्टर और ब्लैक लाइट, एक बार बैक साइड में चलते हैं। तो भाई ये है इस गाड़ी का बैक साइड, और बैक साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर जो कि स्कैनिंग में काम करते हैं, ब्रेक पे काम करते हैं, आपके पार्किंग पे काम करते हैं, हर चीज पे काम करेंगे आपके जितने ही फंक्शन गाड़ी में। इतना टेल लाइट में फंक्शन नहीं होते जितने आपके इस वाले के अंदर फंक्शन होता है विद स्कैनिंग के साथ। ये देखो इंडिकेटर भी चालू हो गया, और साथ में लगा है वेलकम वाला डिफ्यूजर भी इसके अंदर इंस्टॉल हो गया विद सेंटर वाली जो लाइट आती है ना, ये भी भैया ने इंस्टॉल कर दिया, हम टाटा जेनुइन काफी टाइम से लगा रहे हैं। कैमरे की क्वालिटी आपने देख ली भाई, यही वाला वो कैमरा है जिसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़िया है इस वाले प्लेयर के अंदर। डेप्स का एंड्रॉइड भाई शुरू से अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं है ना भैया, सिंगल कंप्लेंट नहीं। और यहाँ पर मैंने आपको दिखा था, ये हमने लगाई थी टाटा जेनुइन, बिल्कुल टाटा जेनुइन, देखो ये लिखा भी हो, ये पहचान होती है, एक लोकल भी आती है ना, हमने धागा लगा के दिया सर को प्रॉपर, धागा भी लगा के दिया इसके अंदर, ये देखो भाई मतलब पूरा टॉप एंड वाला फील दे दिया, इसको बंद करते हैं, इसमें बूट लाइट भी लगी हुई देखो अंदर की साइड में, बाकी सब सामान पड़ा हुआ है, ये पुराना सामान जितना भी था वो सारा भैया को वापस दे दिया हमने। तो ये होता है पुराने सामान का, लोग पूछते हैं पुराने सामान क्या करते हैं, पुराने सामान को हम वापस देते हैं डिग्गी में डाले क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता, डिग्गी में डाले कस्टमर पैक दे देते, हमारा किसी काम का नहीं होता हमारा, बाकी यही है। इसके ऊपर लगी थी रूफ रेल जो की फिर से गाड़ी अगर हिलाना चाहे तो हम इसको लगा के हिला सकते हैं, बाकी गाड़ी काफी ज्यादा बढ़िया है देखो, ठीक है ना, ये कुछ गाड़ी का साइड प्रोफाइल है जिसमें गाड़ी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी आप लोग भी क्या कर सकते हो, आप लोगों का अगर ये सारा काम कराना है, नेक्सॉन अच्छी लग रही है, नेक्सॉन में जितनी मॉडिफिकेशन हुई है वो अच्छी लग रही है, आपको आना है मनीष कार एक्सेसरीज पर। एक चीज और दिखाता हूँ भाई, पीछे वाला गेट देखो उसका, यहाँ पर ना ये देखो बटन भी लग चुका है, अब अगर आप चाहो तो यहाँ से शीशा अपना फुल मेंटेन, और ये देखो सीट कवर की क्वालिटी देख लो भाई, पीछे वाले की भी काफी बढ़िया क्वालिटी आपको मिल जाएगी जिसमें आपको विद वारंटी मिल रहा है। और यहाँ नीचे 70 मैट भी है, इसमें मैट भी डाला, डाई वाला फ्लोरिंग किया, अच्छा फ्लोरिंग की थी ना आपने? जी हाँ, छपाई करके पूर्व छपाई, आपको जिस टाइम ये सीट हटी हुई थी उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया था, हमने फ्लोरिंग भी की थी इसमें, काफी अच्छी चीज है कि आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। क्वालिटी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलती है नेक्सॉन सी गाड़ी के अंदर, आपको मिलती है मनीष कार एक्सेसरीज पर। तो भाई अब आप चेकआउट करो, आवाज सुनो इसकी गाड़ी, मैंने सोचा आपको आवाज सुनाई ही दूं हरमन के स्पीकरों की, हरमन के कॉम्पोनेंट की। नाम पूछे थे, काम पूछे थे, जब ना ना था, कोई काम ना था, सारे के सारे मेरे ते सवाल पूछे थे, नाम पूछे
पूछा थे, काम पूछा थे, जब नाम ना था कोई काम ना था, सारे के सारे मेरे ते सवाल पूछा थे, जीवन दान दे रखा से यो संगीत में, देहाती गानों की बदल दूंगा रीत में, मेजर में माइनर और माइनर में मेजर ला दूं, राग भैर भी मैं लिखता जाऊं गीत में, सहारा राम का है हार, फिर मैं कैसे मानूं। देख रहे भाई आवाज, आवाज़ एक नंबर है, थोड़ी सी इसकी आवाज़ की सेटिंग की और जरूरत है क्योंकि अभी तक हमने इसमें सेटिंग नहीं करी, सेटिंग करते के साथ और ज़्यादा इनहेंस होएगी इसकी आवाज़ भी। और उसके बाद बात करते हैं एक बार इस गाड़ी के ओनर से, क्योंकि इस गाड़ी में जो भी काम हुआ है असली जो रिव्यू देंगे ना वो भाई वही देंगे, तो बात करते हैं एक बार ओनर से। तो भाई इस गाड़ी का तो काम कम्प्लीट हो चुका है और ये है मनीष कार की फैमिली भी यहीं पे है और साथ में जो हमारे भैया आए थे वो भी है। कैसे भाई लोग? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। एक बार भैया अपना नाम शेयर कर दो अपने अपने सारे। नाम नन्ना सुरेश। सर अंकित। तो मैं तो पूछूंगा ही नहीं मैं। नरेंद्र एडू। और सर का नाम तो बहुत बढ़िया है, अलग ही नाम है, बताइए। पंकज। पंकज। पंकज कैसा लगा सर आप चारों लोगों को काम, कैसा लगा गाड़ी का? अच्छा लगा, बढ़िया। कैसे कहाँ पे सर देखा था आपने इनको? यूट्यूब के थ्रू देखा भाई। कैसा लगा सर काम आपको? अच्छा लगा, बढ़िया बिल्कुल। बढ़िया। प्राइसिंग की बात करें? नहीं सब बिल्कुल बढ़िया, सब ठीक है। आप बताओ सर। ऑल ओके सर, जब ऑल ओके हो गया मतलब कि प्राइस भी बढ़िया है और जो प्रोडक्ट है वो भी बढ़िया है, वही बढ़िया है और नेचर भी बहुत बढ़िया है। चलो बहुत अच्छा। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा काम किया मनीष भाई ने, बढ़िया। आइए देखिए, मस्त जलवे जलवे होंगे। बताओ सर। एक नंबर मनीष भैया ने बहुत बढ़िया काम किया। चलो सर, थैंक यू सर, सबने मतलब एक नंबर ही क्वालिटी बताई है। सबसे पहला बात हमारे सर मेन है, ठीक है? नहीं देखो भाई, पता क्या है, सर बोले कि मुझे ए टू जेड ओके चाहिए, ठीक है? मतलब सर मैं आपके सामने करूंगा, ठीक है? जो होगा ऊंचा होगा नीचा होगा मैं आपके सामने करूंगा, ठीक है? वो मैं इनके सामने खड़ा उठ रहा अभी, बोले कि हाँ अभी ओके है, ठीक है सर? अच्छा, पूरी संतुष्टि थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, तो मतलब आप रिकमेंड करते हो सर कि दोबारा से कोई नेक्स्ट लेके आए? ऐसा है, मैं फर्स्ट टाइम इनको YouTube पे देखा हूँ, कई लोगों को देखा हूँ, लेकिन देखने के बाद इनके पास मैं एक बार देखने रेट के लिए भी बात करने आया, ठीक है? उसके बाद इन्होंने ये बोला सर आप आइए काम कराइए और सही रेट पे काम करेंगे, जो इन्होंने कमिट किया था, दिन पहले आया था, जो कमिट इन्होंने किया था उसके हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। चलो सर, थैंक यू सर। आप सर इतनी दूर से, वैसे आप आए कहाँ से थे सर? हम नरेला से। नरेला से आए थे? नरेला भी ठीक ठाक दूरी पे है लेकिन है अपना दिल्ली में ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने भी आना तो क्या कह रहे सर बताओ? सर में कुछ भी दिक्कत हो सर को हम उसके लिए बैठे हुए, किसी चीज में दिक्कत हो मतलब रिकॉर्डेड लाइन है, ध्यान रखना। ये हो सकता है कि 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं सर्विस के लिए रिटर्न पे आ रहा हूं। चलो बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर में सर्विस देंगे सर को, जो भी कुछ दिक्कत आएंगे सर। ठीक है, और सर आपको ना मैं करूं एरिया में बोल सकता हूं मैं, एनी टाइम सर्विस है। और फ्यूचर में आने वाली जो भी मॉडिफिकेशन आप कराना चाहते हो अगर, तो आप फिर से आ सकते हो सर। सरकार बलिन में बलिन लेके आएंगे हमारे पास। मैं एक दो दोस्त और हैं जो आने के लिए तैयार हैं। अच्छा, और कभी आऊंगा तो इसका अलॉय का काम कराऊंगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो आर पार हो जाएगी सर। हमारे 500 से ऊपर के बॉस है। अच्छा, और सर से हम दावा किए हैं, दावा में हम खड़े उतरे हैं। चलो सर, बहुत हमारे करीब मतलब बंदे ऐसे मिले नहीं आज तक हमारे जैसे। चलो भाई, थैंक यू सर आप सभी लोगों का, ठीक है? तो आप लोग भी आ सकते हो भाई मनीष कार असिस्टेंट पे, अगर आपको काम कराना है अपनी टाटा नेक्सॉन या टाटा पंच में, तो कुछ इस तरह की गाड़ी आपको तैयार होके मिल जाती है। एक दिन में सुबह से शाम तक में आपका सारा काम हो जाता है, 5-7 घंटे के अंदर आपका सारा काम हो जाता है। कहीं से भी आप आ रहे हो कॉल कर सकते हो मनीष कार असिस्टेंट को, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। फिलहाल के लिए करते हैं इस वीडियो के यहाँ पे एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ इस तरह की नेक्सॉन हम लोग आपको बना के दे देंगे। टिल देन पीस आउट।